आपको क्या चाहिए? आपके अगर कुछ मिल जाए तो आप यहाँ सोएंगे तो नहीं? अरे जहाँ का है कुछ तो चले जाओ, करें चले जाएंगे। आप क्या करते हैं? हम्बाली करते हैं। हम्बाली में आपको कितना रुपए मिल जाते हैं? जाता है मजदूरी। आपके शिवराज सिंह ने योजना बनाई थी, मजदूरी कार्ड बना, आपको नहीं बना? नहीं बनाया, नहीं बना। पीर गेट पे वो गरीबी रेखा का नहीं बना आपका, ये कुछ कागज नहीं है आपके पास? आपकी कमाई इनकम कितनी होती? रोज के रोज आते हैं बाबू, दो ढाई तीन पैसा आया। आप सोते किधर हैं बाबू जी? अभी तो मैं उधर भी चले गए। आप जैसे काम करके आ जाते हैं तो आपको सोते आप आते हो कितने बजे तक आ जाते हो? हाँ अब जितने हम होगा बाबू जी 10-11 बजे तक नहीं जा सकते, नहीं जाएंगे। और आपको पुलिस भी परेशान करती होगी? करती है बाबू, करती है। सोने के लिए क्या करें? अगर आपको रेन बसेरे में जाते हो तो रेन बसेरे में जगह मिलती है? मिल जाते तो रेन बसेरे वाले क्या कहते हैं, खाना पीना देते हैं? नहीं देंगे बाबू जी, गाँव में तो पैसा लगता है, पैसा लगता है। शिवराज सिंह चौहान जूते बना रहा है, शिवराज सिंह चौहान के बारे में क्या कहना है? जो आपको दे रहा है जूते बना रहा है बाबू जी, जैसा भी आप बना रहे हों तो आप जैसा आएगा ऐसा करवा दीजिए। अगर चूतिया बना रहे हैं शिवराज सिंह चौहान को योजना का, आपको उमरा कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, आपको अगर सुविधा दूसरी कोई पार्टी लेबर पार्टी आपको अगर सुविधा दे, आप क्या चाहेंगे बाबू जी? हाँ वो पार्टी का साथ देंगे आप? हाँ अरे कहीं नहीं देंगे, देंगे। और आप कभी कोई मंत्री कोई पार्षद आपके लोग के पास आया लेने के लिए, हलचल पूछने के लिए? अभी नहीं आया, नहीं आया। पूछिए एक पहचान पत्र के लिए। नहीं सुनिए, आपको शिवराज सिंह चौहान ने रेन बसेरा बनाया है, आपको रेन बसेरे में कोई सुविधा मिले? कोई भी कुछ नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। आपको मजदूरी कार्ड जो आपको बने हैं आपको कार्ड नहीं, आपको जो मजदूरी कार्ड बने आपको मिले? कुछ नहीं। आपको विकलांग का विकलांगों का कुछ मिला आपको? जो विकलांग का मेरी भूमिका वैसे MP की है, लेकिन जब मोदी गुजरात के मंत्री थे मैं इनकी जन्म कुंडली तब से जानता हूँ। अब क्या चाहते हैं अपन? अगर आप इनके पास जा चुके हैं जो आपको सुविधा देखो, दो तीन बार तो चौहान के जरिए शिवराज सिंह चौहान ने अभी पूछा है। अच्छा अभी डॉक्टरों के पास जाते हैं कि भाई हमारा कुछ पहचान पत्र बनाओ, तो वो लोग बोलते 500 लाओ, आधार कार्ड के बोलते लाओ 1000 रुपया, तो कहाँ से? एक गरीब आदमी के ऊपर दबाव डाला जा रहा है ना? बच्चों के आधार कार्ड मांगते हैं कहाँ पे, हम पढ़े रहते तो तुम्हारे अच्छा, बच्चों के आधार कार्ड बात ये है हमारे पास कहाँ से लाए? बच्चे लोग के लिए पुलिस वाले भी कहाँ से लाए? उठाओ एक को तो कहाँ लेके जाए उसमें? ऐसी हालत में, ऐसी हालत में आप लोग क्या करते हैं जब पुलिस वाले आते हैं? भगते हैं बस सामान छोड़ के। तो इन बच्चों का आप क्या करते हैं? बच्चों को बच्चे को उठाते बेचारे क्या करें? सर आपने अभी तक क्या क्या किया, किस तरह से लोगों का आपने अभी हालत में लोगों को देखने के बाद आपने क्या किया? कोई सुविधा नहीं मिल रही मेरे, ना तो ID है ना पहचान पत्र है ना तो कोई सुविधा है। और कोई नगर निगम जाता है पुलिस को भगा देते, गरीब को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही। और क्या अभी तक आपने गरीबों के लिए अभी क्या किया आपने, और अभी आगे और क्या करने जा रही है आपकी पार्टी? अभी आपने क्या गरीबों को सुविधा दी और क्या करना चाह रहे हैं? मैं गरीबों को अपना गले मिलकर सबका साथ विकास, सबके साथ सबका विकास करना चाहता है। तो गरीबों को आज मैंने एक बूढ़ी अम्मा लेडी भी उनको ठंड लग रही थी, मैंने कंबल उनको पहनाए और गरीबों के लिए कपड़े भी बांटे हैं। और क्या करना चाहेंगे आप अभी और आगे आपकी पार्टी के लिए आप क्या करना चाहेंगे, आगे से आगे आप क्या सोच रहे हो और क्या करना चाहेंगे गरीबों के लिए? अपन लेबर और पार्टी के साथ सबका बताते हैं। और कुछ कहना है?
मैं फैजान खान लाइव हो गया। आइए मेरे साथ हैं वसीम खान जी, प्रदेश अध्यक्ष। आज वो आए हैं दौरे पे, किस तरह से लोग सड़कों पे सो रहे हैं, किस तरह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं और किस तरह से वो लोगों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। आइए दो शब्द में आपको वसीम खान जी से सुनाना चाहूँगा कि उनका क्या कहना। जी सर, आपका नाम वसीम खान जी। वसीम भाई, आप आज दौरे पे आए हैं, आपने अभी तक क्या क्या देखा और ऐसा क्या किया जी? मैं रेलवे स्टेशन पे आया जी, आज दौरा गया तो लेबर पार्टी की ओर से मैंने लेबर की जानकारी दी तो पता चला मुझे ना तो इनके पास आधार कार्ड है, ना तो मजदूरी कार्ड है, ना कोई सुविधा मिल रही है। इनके लिए अपन सुविधा के लिए आगे चल के इनके लिए काम करेंगे। आपने अभी दौरे पे आप कब से निकले हैं और आपने अभी लोगों के लिए क्या किया और क्या आपका सुझाव है लोगों के लिए और क्या राय रखते हैं? आज सुबह से दौरे पे घूम रहा हूँ मैं, मैंने देखा है शिवराज सिंह की योजना है, सब कागजों पे चल रही है जी। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी का कहना तो ये है कि कोई इंसान फुटपाथ पर नहीं सोएगा, कोई इंसान फुटपाथ पर नहीं दिखेगा। तो अभी आप दौरे पे निकले तो आपको अभी समथिंग कितने लोग फुटपाथ पे दिखे, इस ये नज़ारा आप मेरे को किसी से मिलवा सकते हैं जो फुटपाथ पर सो रहा हो, या मेरे को दिखा सकते हैं कि कोई इंसान आपके साथ हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो फुटपाथ पर सो रहा हो? अभी मैं रेलवे स्टेशन के पास खड़ा हूँ, मैं उनका जा जाके मेरे भाई, मेरे बगल में एक भाई खड़े हुए हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं, उनका कहना मैं शिवराज सिंह चौहान से लेकर आरिफ भाई की तरफ से विधायक जी के साथ भी हुआ है, लेकिन आज तक मेरे कोई सुविधा नहीं मिली। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम जी। भाई आपको क्या दिक्कत है और किस तरह से आप ले रहे हैं और कैसी आपकी ज़िंदगी कट रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपके कहने वसीम खान जी आए हैं आपको देखने के लिए कि आप लोग किस तरह से हैं और क्या हालत है आपकी, तो इसके बारे में, इनकी पार्टी के बारे में और इनके बारे में आपका क्या कहना है? इनके बारे में हम तो सबके बारे में ये बोलना चाहते हैं कि हमारे बच्चों का कुछ भी करो, हमारे पास इतना कुछ भी नहीं है कि आधार कार्ड बनवा सके। आधार कार्ड बनवाने जाते तो भी 1000 लाओ, 500 लाओ। कौन मांगता है आपसे 1500? जो बनाते हैं वही। अभी तक आप कहाँ गए? हम तो कलेक्टर ऑफिस तक चले। कलेक्टर ऑफिस में आपसे क्या कहा कि आप पैसे न भरोगे तो आपको किसने कहा मिलेंगे, फलाना मिलेगा, वहाँ के बाबू ने, बाबू ने कहा आपसे कितने पैसे मांगे? एक मकान लोगे तो 1,30,000 रुपये तुम्हें भरना पड़ेंगे, अगर ज़मीन लेना है तो तुम्हें 70,000 रुपये देना पड़ेंगे। और सरकार की योजना के खिलाफ ये पालन नहीं कर रहे हैं, आप बताइए इसके खिलाफ इन लोगों के जो आपसे आधार कार्ड पहचान पत्र परमिट के खिलाफ आपसे पैसा मांगा जा रहा है, इनके खिलाफ आप क्या चाहेंगे? अभी ये तो हटाना चाहिए। और क्या कहना है आप सरकार के बारे में? ये सरकार जो भी गरीबों की सहायता करेगी उन्हें वोट देना चाहिए, उन्हें ही रखना चाहिए, दूसरे को ऐसे इंसान को क्या रखना। कहाँ पे रह रहे हैं और किस तरह से सोते हैं और कहाँ आपका? बहुत मजबूरी है, हमें बहुत मुसीबत उठानी पड़ती है, रात की 2 बजे पुलिस वाले आके भगाते तो बच्चे लेके उठ के हमें बाहर स्टेशन के बाहर भगना पड़ता है। तो ये आपके बच्चे अभी कितने हैं? अभी तो कितने साल की, कितनी है जो भी बच्चों की? एक 12-13 साल का है, एक 6 साल की लड़की है, एक 4 साल की लड़की है, एक 2 साल का लड़का है, 1.5 साल की लड़की। इसके अलावा यहाँ पे कितने लोग हैं? मेरे साथ में हमारा 1, 2, 3, 4, 5 परिवार है। 5 परिवार। हाँ। और क्या कहना है आपका माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपका क्या कहना है? क्या मोदी जी ने सबको दिया लेकिन हमें कुछ नहीं दिया, गरीबों को तो ऐसा फुटपाथ पे सुलाया जैसे कि आज तक गरीबों के तो बच्चों को काट दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी तो कहते हैं कि कोई फुटपाथ पे नहीं सोएगा, सब क्या फुटपाथ पे सो रहे हैं, उनके घर के द्वार पे, घर के सामने गए, ऑफिस के सामने, उसमें उनने कुछ नहीं दिया, भगा दिया वहाँ से। किसके घर के सामने गए? शिवराज सिंह के ऑफिस के सामने गए। क्या कहा? वहाँ से भगा दिए गए, बोले नहीं भगाओ इन गरीबों को, हाँ ऐसे ही कचरा पूरा है। भोपाल टाकिस में रहते थे तो भोपाल टाकिस से मैं भगा दिया गया, पुलिस वाले को लगाया, बोले ये वहाँ के बड़े दंगा करते हैं, गदर करते, अब रोड पे नहीं सोएंगे तो कहाँ जाके सोएंगे, अंदर सोते बड़े बाग में, गुंडे गिर दिए, कोई भी है, बच्चे उठा ले जाए कुछ भी। अभी साल 2 साल पहले हमारी भांजी उठा के लेके गए वहाँ से, अभी तक पता नहीं, 2 साल की लड़की उसका पता ही नहीं। और कुछ कहना है आपका? हमने वहाँ से रिपोर्ट करी, रिपोर्ट भी नहीं दर्ज हुई हमारी, सुनाई नहीं। और कुछ कहना है? ये अपने शाहजहाँबाद थाने में करिए। यही कहना है कि आपकी जो भी सरकार कुछ भी करो लेकिन फुटपाथ से हटाओ। आपके कहने अभी वसीम खान जी आए, प्रदेश अध्यक्ष हैं ये जी, इनके बारे में आपका क्या कहना है? आपके कहने इनके बारे में भाई यही
कहना है आपके बारे में कि हमको कुछ भी करो, कोई ऐसा करोगे कार्ड से तो बचे, एक नहीं 1 लाख लोग बन जाएंगे हम। वसीम भाई आपका क्या कहना है लोगों के बारे में, आपका ये कहना है तो आप क्या चाहोगे, आप क्या कहना? जो भी अगर मेरी सरकार आती है तो मैं गरीबों को विधायक भी बना सकता हूँ और गरीबों को आगे पढ़ाई, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई भी करवा सकता हूँ, ठीक है ना। और कोई 6 साल से 14 साल का बच्चा कोई काम नहीं करेगा और बेरोजगार नहीं रहेगा ना तो कभी कोई भूखा सोएगा, उसमें चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब मिलकर एक साथ रहेंगे। वसीम भाई अभी आपके साथ कितने लोग आए हैं, समझ लो कितने लोग हैं आपके? हमारी कमेटी के लोग आए हुए हैं जो आज दौरा कर रहे हैं, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष दीपक भाई और हमारे सचिन भाई को लगाए हुए और हमारे बड़े भाई एक ये भी हैं और हमारे नवीन भाई रहेंगे। तो आप लोगों के लिए क्या चाहेंगे कि मैं ये सुविधा लेना चाह रहा हूँ, मैं लेबर जो पार्टी बनाई है लेबर की पार्टी है, रईसों की पार्टी नहीं बनाएंगे, तो रईस है राजा है उनकी पार्टी अपन नहीं बनाएंगे। अगर गरीबों को लाएंगे, गरीबों को मैं उठा के एक आध को विधायक भी बना सकता हूँ, क्यों? अगर गरीब बनेगा तो नहीं, गरीब अगर बनेगा तो गरीब अपना गरीब जैसे ही विकास करेगा, ठीक है। बात करता हूँ, शुक्रिया।